गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू द रूरल एकेडमी। और आज आ रहा हूँ मैं आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स। तो आज इसी क्रम में आज आपकी तारीख है 14 अक्टूबर, तो आज का यहाँ पे करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आज आपका, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप या SPG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, यह प्रधानमंत्री तथा पूर्व प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रपति को सुरक्षा प्रदान करता है। सेकेंड, इसमें लगभग 3000 सैनिक शामिल हैं। थर्ड, SPG को पहले विशेष सुरक्षा इकाई या SPU यानी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के नाम से भी जाना जाता था। देखिए पहला वाला कथन जो है वो सही नहीं है। SPG विशेष रूप से प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों को सुरक्षा यानी मुहैया करवाता है। यानी SPG विशेष रूप से प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए स्थापित एक विशेष दल है। और यह जो है राष्ट्रपति की सुरक्षा नहीं करता है, राष्ट्रपति को सुरक्षा ये प्रोवाइड नहीं करता है। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकेंड है, इसमें लगभग 3000 सैनिक शामिल हैं। देखिए पहला सेकेंड वाला कथन बिल्कुल सही है। अभी वर्तमान में इस दल में लगभग 3000 सिपाही शामिल हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो सेकेंड वाला कथन सही है। थर्ड है, इस SPG को पहले विशेष सुरक्षा इकाई या SPU के नाम से भी जाना जाता था। देखिए तीसरा वाला कथन भी सही है, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। देखिए जो वर्ष 1984 है, यानी 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, तो उसके पश्चात उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की सुरक्षा के लिए ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा बन के उभरा था कि भाई कैसे उन्हें सुरक्षित किया जाए। तो वर्ष 1985 में इस मुद्दे पर विचार करते हुए बीरबल नाथ समिति का गठन किया गया, यानी समिति बनाई गई SPG के संदर्भ में। इससे पहले यानी सिक्योरिटी के जो हाई लेवल आपके नेता हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए एक बीरबल नाथ समिति बनाई गई थी। ठीक है, तो ये समिति ने फिर अपनी क्या रिकमेंडेशन दी वो हम जानते हैं। ठीक है, तो जिसने 1985 से यानी 1985 से कार्य करना स्टार्ट किया इसने 1985 से, और इसने सुझाव दिया यानी इसने इस कार्य तो इसने विशेष सुरक्षा इकाई यानी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को स्थापित करने का सुझाव दिया, जिसके बाद 1985 में ही 1985 में SPU का गठन किया गया। ठीक है, और SPU का बाद में पुनः नामकरण करके SPG कर दिया गया, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे दूसरा तीसरा कथन सही है। तो आंसर है केवल 2 और 3। ठीक है, यानी बीरबल नाथ समिति की अनुशंसा पर इसका गठन हुआ है SPG का, ये आप याद रखना। और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इतना आप याद रखेंगे, यानी जो घटनाक्रम है उसे अगर आप कोरिलेट कर देंगे तो आप भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आज आपका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, हाल ही में इसने आधार सक्षम भुगतान सेवाएं यानी AEPS शुरू करने की घोषणा की है। इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 100% है। थर्ड, इसकी स्थापना RBI द्वारा की गई थी। देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आधार सक्षम भुगतान यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसे AEPS कहते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म जो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, AEPS की फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसकी शुरू करने की घोषणा की है, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की एक वर्षगांठ हो गई है। तो पहला वाला कथन तो यहाँ बिल्कुल सही है। सेकेंड है, यहाँ पर जो है इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 100% है। देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 1 सितंबर 2018 को की गई थी, यानी इसकी स्थापना जो थी 1 सितंबर 2018 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसको संचार मंत्रालय में डाक विभाग के अंतर्गत की गई थी, यानी इसकी स्थापना जो थी संचार मंत्रालय में डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत आता है डाक विभाग, आता है संचार मंत्रालय के अधीन आता है डाक विभाग, इसमें ये की गई थी स्थापना। ठीक है, इसके अधीन आता है कौन सा, डाक विभाग आता है, लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसमें डाक विभाग में की गई थी, और इसमें 100% हिस्सेदारी जो है वो है भारत का स्वामित्व है इसमें। ठीक है, तो सेकंड वाला कथन सही है। थर्ड है, इसकी स्थापना आरबीआई नहीं, संचार मंत्रालय के द्वारा किसमें की गई, डाक विभाग में की गई है, और 1 सितंबर 2018 को हुई है स्थापना। ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है शुरू करने की घोषणा इसने की है अभी। तो यहाँ पे पहला दूसरा कथन सही है, तो आंसर है बी, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 है आज आपका, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। पहला है, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट के अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकों को उधार देने की एक दर है। सेकंड, इस दर का निर्धारण केवल फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। देखिए
अभी हाल ही में भारतीय जो आरबीआई है यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 अक्टूबर 2019 से सभी बैंकों के लिए एक नए फ्लोटिंग रेट लोन यानी कि व्यक्तिगत खुदरा ऋण और एमएसएमई एमई तक के लिए ऋण को एक एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार इस दर पर वाणिज्य बैंक अपने खुदरा ग्राहकों को लोन देंगे, ना कि आरबीआई वाणिज्य बैंकों को। तो यहाँ पहला वाला कथन गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि इसमें भारतीय रिजर्व बैंक देगा वाणिज्यिक बैंकों को। जी नहीं, इसमें वाणिज्यिक बैंक जो है, यानी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें वाणिज्यिक बैंक जो है वो अपने खुदरा ग्राहकों को यानी अपने जो रिटेलर्स हैं यानी खुदरा ग्राहक हैं, जैसे एमएसई एमई सेक्टर वाले जो ग्राहक हैं या जो सेक्टर एमएसएमई सेक्टर फल फूल रहा है, तो उसे ऋण देंगे कौन? वाणिज्य बैंक देंगे, ना कि आरबीआई वाणिज्य बैंकों को। तो पहला वाला कथन तो गलत है। सेकेंड है यहाँ पर कि इस दर का निर्धारण केवल फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। देखिए, वाणिज्य बैंक एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के मानक के रूप में रेपो रेट, 3 महीने का ट्रेजरी बिल यील्ड और 6 महीने का ट्रेजरी बिल यील्ड या फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किसी एक बेंचमार्क को चुन सकते हैं। और इस प्रकार इस दर का निर्धारण केवल फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड नहीं करेगा, यानी कि इसमें अन्य लोग अन्य भी शामिल हैं। जैसे मैंने बताया था कि इसमें पहली बात तो ये थी कि 3 महीने का ट्रेजरी बिल यील्ड है, फिर 6 महीने का ट्रेजरी बिल यील्ड है, तो इस वजह से केवल एक संस्था नहीं है, नियामक नहीं है, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया ही प्राइवेट लिमिटेड इसको निर्धारण करेगा। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ दोनों ही कथन गलत है। तो यह आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है आज आपका, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं? यानी कि यहां पर कुछ कारक दिए गए हैं, यानी हिंद महासागर में द्विध्रुव, मेडेन जूलियन दोलन, एल नीडो, यानी कौन कौन से कारक हैं जो इसके यानी कि भारतीय मानसून की घटना को प्रभावित करते हैं। तो यहां पर पहले हम जान लेते हैं वन बाई वन करके। पहली तो यह है कि हिंद महासागर में द्विध्रुव, यानी कि यहां पे द्विध्रुव लिखा है ये, ठीक है। देखिए, हिंद महासागर द्विध्रुव के दौरान हिंद महासागर का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा ज्यादा गर्म या ठंडा होता रहता है, और पश्चिमी हिंद महासागर के गर्म होने पर भारत के मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि ठंडा होने पर यहां पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हिंद महासागर के ध्रुव भी यहां पर द्विध्रुव भी एक भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी बात आती है मेडेन जूलियन दोलन। देखिए, ये क्या है, इसकी वजह से क्या है कि मानसून की प्रबलता और अवधि दोनों प्रभावित होती है। इसके प्रभाव स्वरूप क्या होता है कि महासागरीय बेसिनों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या और तीव्रता भी प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप जेट स्ट्रीम में भी, और जेट स्ट्रीम की धारा होती है, इसमें परिवर्तन आता है, और यह भारतीय मानसून के संदर्भ में एल नीनो या नीना की तीव्रता और गति के विकास में भी ये योगदान देता है, मेडेन जूलियन दोलन। ठीक है, तो यह सेकंड वाला कथन भी सही है। थर्ड वाला है एल नीनो क्या होता है। देखिए, एल नीनो के बरसों के दौरान समुद्री सतह के तापमान में बढ़ोतरी होती है, और जो है ला नीनो में बरसों में समुद्री संभाग में कम हो जाता है। यानी कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एल नीनो में क्या होता है कि समुद्री सतह का तापमान जो है यानी इसमें तापमान इंक्रीज हो जाता है, यानी टेम्परेचर लिख दे रहा हूँ, सॉफ्ट शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, एल नीनो में इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, याद जान लीजिए। ठीक है, और एक एल नीनो, ये तो एल आ गया, एक हो गया ला नीनो, ठीक है, यानी एक वर्ड और है ला नीनो करके। तो इसमें क्या हो रहा है, ला नीनो में जो है टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी कम हो रहा है, घट रहा है। तो ये ध्यान रखना, एल नीनो बढ़ता है, फिर से बता रहा हूं मैं, ठीक है, यानी एल नीनो में के बरसों के दौरान समुद्री सतह का तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर समुद्री सतह का जो सी का सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है एल नीनो में, जबकि ला नीनो में क्या होता है, सी का सरफेस टेम्परेचर जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, और सामान्यतः एल नीनो के वर्षों में भारत में मानसून कमजोर, जबकि ला नीनो के वर्षों में भारत में मानसून प्रबल हो जाता है। ये आप ध्यान रखना, ला नीनो हमारे भारत के मानसून के लिए एक प्रबलता साबित करता है हमारे, यानी कि ला नीनो अगर होता है तो हमारे भारत में मानसून अच्छा खासा आता है, और एल नीनो की घटना होती है तो हमारे भारत में मानसून प्रबल नहीं होता, यानी कम हो जाता है। तो देखिए, तीनों ही कारक ये उत्तरदायी है, तो ये आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है आज आपका, निम्नलिखित में से कौन से देश यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी ईएईयू के संदर्भ में के सदस्य हैं? सॉरी, पहला है आर्मेनिया, बेलारूस, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, भारत, आर्मेनिया, भारत, चीन, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस। देखिए, अभी ईएईयू की स्थापना के लिए एक संधि पर बेलारूस यानी इस जो संधि है इस पर मुख्यतः जो है बेलारूस, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, रूस और आर्मेनिया ने जो है हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, यानी कि अभी हाल ही में संधि पर बेलारूस, कजाकिस्तान और रूस के नेताओं ने 29 मई 2014 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 29 मई 2014 को,
ठीक है, इस पर हस्ताक्षर किए थे। और यह संधि जो है वो 1 जनवरी 2015 से लागू हो गई, यानी 1 जनवरी 2015 से यह संधि जो आपकी है ईईएईयू वाली, यानी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है, के सदस्यों की संधि लागू ही हो गई, ठीक है। और आर्मेनिया और किर्गिस्तान को इस साल समूह में बाद में प्रवेश दिया गया है, यानी पहले आर्मेनिया और किर्गिस्तान इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन अभी वर्तमान में अगर सब देशों को देखा जाए, यानी बेलारूस, कजाकिस्तान, रूस ने की थी स्थापना, तो अभी इसमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान भी है, ऐसे करके यहाँ पे 5 कंट्री है अभी टोटल, ठीक है। तो यहाँ आंसर है डी, ठीक है। तो देखिए, ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, एक वीडियो में उससे एक अभ्यर्थी ने कमेंट करके किया था प्रश्न कि सर क्या आपके क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी की नीड को फुलफिल कर रहे हैं, यानी इससे एक्सपेक्टेड है यूपीएससी के लिए, यानी आंसर मैंने यूपीएससी के लिए प्रश्न आना। देखिए, मैं आपको बात बता दूं, हम ये नहीं कहते कि भाई एग्जैक्ट ही आ जाएंगे, पहली बात आप समझ लीजिए, यानी मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं एग्जैक्ट आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको प्रबल, यानी कि आपके अभ्यास के लिए है, यानी आप जितना ज्यादा से ज्यादा आपको अपना ज्ञान की परख होनी चाहिए कि हाँ भाई हम कर पा रहे हैं उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कर पा रहे हैं जिस टाइप के यूपीएससी पूछे जाते हैं, तो वो आपको एक हम आपके ज्ञान का यानी एक द्वार है वो खोलने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई एग्जैक्ट यही आ जाएंगे, ठीक है, या आप इसे रट लीजिए तो ये हो जाएगा। हम तो बस यहाँ पर ये लेके आ रहे हैं कि आपने जितना भी पढ़ा है, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उसका रिवीजन आपको करवा रहे हैं। यहाँ पे मेन उद्देश्य हमारा यही है, यानी कि आप जब एग्जाम टाइम पे अगर आप एग्जाम हॉल में पहुंचे तो आप हड़बड़ाएं ना, वहां पे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे उसकी व्याख्या को समझना है, यहाँ पर ये अभ्यास हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये बात है कि आज दिन तक यूपीएससी के पेपर के बारे में ना मैं ना ही कोई कोचिंग वाला प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, यानी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि भाई किस टाइप का पेपर आएगा, इस बार कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने जो है यहाँ पे करंट के आएंगे, कितना स्टैटिक पोर्शन आएगा, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यूपीएससी के लिए वही एक ही चीज़ है कि आपको थोरोली, यानी कि एक पूरा समग्र रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर वे में रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। वरना आप तुक्का से क्रैक होने वाला नहीं है कि भाई लक बाई चांस हमने बैठ गए एग्जाम में, शायद ये वाला पोर्शन आ जाए अच्छा खासा तो ये आ जाए तो हम क्रैक कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए, आज की बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।